उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है संविदा सफाई कर्मचारियों के मानदेय को लेकर। सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई मित्रों के लिए सम्मानजनक मानदेय देने के लिए एक अलग से बोर्ड का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अभी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है और यहाँ पर काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अच्छा, वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे और यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की सौगात देंगे। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव से पहले जनसभा के दौरान ये बड़ा चुनावी माहौल देखने को मिलेगा और आजमगढ़ के अलावा कौशाम्बी का भी दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ भी करोड़ों अरबों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसे योगी के मंत्री। कहा, पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने यह बयान दिया। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति मजहब में बांटने वाले कभी किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बड़ा तोहफा दिया। 8,754 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मऊ व गाजीपुर की जनता को यह बड़ी सौगात दी है। देखिए, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा के लिए सीएम योगी ने पेयजल और सीवरेज के लिए भी 1,057 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। और साध्वी ने भी मुस्लिम लड़कियों के लिए खुला ऑफर निकाला कि हिंदू से शादी करें। साध्वी प्राची ने मुस्लिम समुदाय को लेकर यह विवादित बयान दिया हनुमान जयंती के मौके पर। कहा, हिंदुओं से शादी करो, तलाक और हलाल से मुक्ति मिल जाएगी। ये देखिए, कुछ पॉलिटिशियन बयान देते समय ये भी नहीं सोचते कि इस तरह के बयानों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा में लॉन्च हुआ 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी इससे। दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इंडस्ट्रियल प्लांट स्कीम को लॉन्च कर दिया गया और नोएडा प्राधिकरण ने 40 औद्योगिक भूखंड योजना को लॉन्च किया है। अब इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें 1,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और तकरीबन 10,000 लोगों को इससे जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, यूपी में अब तेजी से विकसित होगी नई टाउनशिप। सस्ते होंगे भवन व भूखंड, यानी कि प्लांट, मकान वगैरह सस्ते होंगे। सरकार वित्तीय मदद भी करेगी। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि खरीदने में सरकार वित्तीय मदद करेगी। विकास प्राधिकरण परिषद को सीड कैपिटल के तौर पर सरकार 50% तक धनराशि देगी। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को भी बड़ी सौगात देंगे। यहाँ 150 करोड़ रुपए के बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर के सहजनवा के सुथनी में ये बायो सीएनजी प्लांट बनाया जाएगा और इतना ही नहीं, सहजनवा में वो एक खेल स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 10,43,00,000 रुपए की लागत से खेल का मैदान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 8 अप्रैल को शनिवार को सहजनवा आएंगे और यहाँ भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। अच्छा, गोरखपुर के लिए एक और नया प्लान भी बनाया। देखिए, अब जाम मुक्त होगा अब गोरखपुर। ट्रांसपोर्ट नगर से राजघाट पुल तक अब ठेले वाले ठेले वगैरह नहीं लगा पाएंगे, इसको लेकर सरकार ने चेतावनी भी दी है। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, गाजियाबाद शहर में भी 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम ने कहा कि पेयजल और सीवर नेटवर्क मजबूत होगा और स्मार्ट एजुकेशन भी मिलेगी बच्चों को। इसके लिए भी कुछ नए प्लान बनाए गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, इन शहरों में अब मकान, दुकान और जमीन के दाम घटेंगे। रियल स्टेट कारोबार में तेजी आएगी क्योंकि होम लोन की ब्याज दरें ईएमआई जो है आरबीआई की तरफ से नहीं बढ़ाई गई है। तो इसी के चलते दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में अब मकान लेना आसान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि लोन वगैरह के रेटें नहीं बढ़ाई गई। कल ही जो एमपीसी की मीटिंग हुई आरबीआई की, उसमें ये राहत दी गई आम लोगों को, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 22 दिन 5 जनपद और 110 गांव से होकर गुजरती है ये विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा। दरअसल, त्रेता युग से चली आ रही 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत आज 7 अप्रैल शुक्रवार से होने जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक 84 कोसी परिक्रमा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मनुष्य को 84,00,000 योनियों के आत्मा में भटकने से भी मुक्ति मिल जाती है। इस 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत बस्ती जनपद के मखौड़ा धाम से शुरू होने जा रही है। अच्छा, बुलंदशहर में भी 467 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, वर्चुअली रूप से, यानी कि डिजिटली शिलान्यास किया इनका। बड़ी खबर है, यूपी में आईपीएस और 16 पीपीएस के तबादले किए, ट्रांसफर किए। वायरल वीडियो प्रकरण की रिपोर्ट दाखिल होने से पहले हटे एएसपी अनिरुद्ध। अच्छा, जो अपराधियों से नरमी बरतने वाले अफसर हैं उन अफसरों की अब कुंडली खोलेगी योगी सरकार। आईपीएस अफसरों को टास्क दिया गया कि जो अपराधियों के साथ जेलों में नरमी बरतते हैं, यानी कि उनके साथ सांठगांठ जोड़ते हैं, ऐसे सभी अधिकारियों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसी कार्यवाही के तहत यूपी में कई अधिकारियों को तबादला वगैरह भी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, यूपी निकाय चुनाव में फिर फंस सकता पेच। हाईकोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट मांगी है। और देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया कि वेबसाइट पर अपलोड करें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार को इसके लिए 4 दिन का समय दिया गया। अच्छा, खबर है दोस्तों कि इस साल जल्दी जारी होंगे यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे। लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल डेली यूपी न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों की स्वामी राम भद्राचार्य ने आगरा के कोठी मीना बाजार का नाम सीता बाजार रखने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री को इस संबंध में प्रस्ताव भी दिया। वही देखिए, हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री में खड़ी है रेंज रोवर, जगुआर और मर्सिडीज जैसी 12 लग्जरी गाड़ियां अब पुलिस इन्हें जब्त करेगी। याजी याकूब की 12 लग्जरी कारें अलीपुर स्थित अलफहीम मिटेक्स मीट फैक्ट्री में खड़ी है, इनको कुर्क किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में काम करना गौरव की बात है, लोगों की सोच
बदल रही है। कार्मिकों के आचरण से मजबूत होगी शासन की छवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर बड़ी चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 7 दिनों में 1000 नए कोविड संक्रमित आए यूपी में। कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर वेद प्रकाश बोले कि अभी जो कोरोना का वेरिएंट चल रहा ना, ये लोगों की इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा है, यानी कि उससे भी बढ़कर है ये, और इसीलिए अलर्टनेस बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के 56 जिलों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। यूपी में अभी 163 कोरोना के सक्रिय मरीज चल रहे हैं। और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है कि मई से 20,000 कोरोना केस हमारे देश में रोजाना आ सकते हैं। वो बोले कि भारतीयों में नेचुरल इम्यूनिटी भी कम हुई है। वैसे देश भर में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में 5,335 नए मामले आए, 13 लोगों की जान चली गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मौसम समाचार पर खबर आ रही कि इन क्षेत्रों में बरसेंगे बादल, आंधी की भी चेतावनी है। हालांकि कई संभागों में तापमान बढ़ेगा। लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत यूपी के कई हिस्सों के लिए IMD की तरफ से पूर्वानुमान आ रहा है कि कुछ जगहों पर बादल बरसेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में तेज धूप तापमान बढ़ाएगी, गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, IPS अनिरुद्ध हटाए गए, वीडियो पर घूस मांगने का आरोप है। CBCID में एडिशनल SP बनाए गए, वीडियो कॉल पर कहा था मिनिमम 20 भेज दीजिए। बड़ी खबर आ रही है यूपी में BEd प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब 15 मई तक आवेदन होंगे और 30 जून को प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये परीक्षा 15 जून को होगी। वहीं देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने पास किए 13 नए प्रस्ताव। बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में भी सब्सिडी मिलेगी। CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 13 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। 5 प्रमुख बड़े फैसले देख सकते हैं आप कैबिनेट के। एक तो मुख्यमंत्री पावर लूम और हैंडलूम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। बुनकरों को बिजली खपत पर फ्लैट रेट का फायदा मिलेगा। अमृत योजना में 2 पाइप वाटर प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। आगरा में गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमियों से जुड़े भी कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई यूपी कैबिनेट में। तो इससे एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली वगैरह सस्ती मिलेगी, तो इसका भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आम आदमी को कई बड़े फायदे मिलेंगे। कुछ और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनकी जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने इस तरह की डिवाइस बनाई है जो ऑक्सीजन की शुद्धता बताएगी और अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो अलार्म भी बजेगा। हॉस्पिटलों के लिए यह डिवाइस वाकई में वरदान साबित होगी। बड़ी खबर है, नगर पंचायतों में रखा सारा ईज ऑफ लिविंग का ध्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाए जाएंगे। लखनऊ में CM योगी ने कार्यक्रम में कहा कि यूपी के 5 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है, जबकि आगरा में इसी साल के अंत तक मेट्रो चलाने का टारगेट भी तय किया गया और जल्द ही प्रदेश के बड़े शहरों में EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, मैं देखिए रामलला का 155 देशों की नदियों के जल से अभिषेक होगा। पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन और रूस से भी जल आया है। 23 अप्रैल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम मूर्ति की पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे 155 देशों की नदियों के जल से। ये कार्यक्रम 23 अप्रैल को होगा ना। बड़ी खबर आ रही, राजू पाल कांड मामले में आरोपी अब्दुल कवि ने भी सरेंडर कर दिया। माफिया आतिक अहमद का यह काफी करीबी है, 18 साल से फरार चल रहा था, लेकिन एनकाउंटर का खौफ ही कुछ ऐसी चीज है कि अब इसने खुद आके सरेंडर कर दिया। वही देखिए स्पीड स्टार मार्क वुड का इंटरव्यू सामने आ रहा। IPL के 2 मैचों में सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए इन्होंने। बोले कि धोनी ने 2 छक्के लगाए तो हैरान रह गया। लखनऊ के सुपर जायंट्स तेज गेंदबाज और IPL 16 के पर्पल कैप होल्डर मार्क वुड को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी अवंति रायडू सबसे खतरनाक बल्लेबाज लगते हैं। अच्छा, मुरादाबाद से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर मेक्सिको भागा था बॉक्सर। बिल्डर की जान लेकर 5 साल से फरार चल रहा था ये गैंगस्टर लॉरेंस गोल्डी बराड का काफी करीबी है ये। इसको गिरफ्तार करके भारत ला दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि दीपक ने मुरादाबाद से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और इसी के आधार पर ये मेक्सिको भाग गया था। बड़ी खबर आ रही, 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों से मिले DM और SP। धरना समाप्त करने से पहले 4 गुना मुआवजा मांगा। DM बोले कि सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे जल्द ही। अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके में लगभग 40 दिन से जमीन का 4 गुना अधिक मुआवजा लेने की मांग को लेकर कई गांव के किसान भाई लोग धरने पर बैठे हुए। इनसे गुरुवार को DM SP समेत कई अधिकारी मिलने पहुंचे। अच्छा, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। कानपुर में जो हाल ही में कपड़ा मार्केट में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था, इससे पीड़ित व्यापारियों को मदद मिलेगी, उनके बच्चों की फीस माफ होगी, ODOP योजना के तहत उन्हें लोन भी दिया जाएगा और भी कई सारे बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। DM ने बैठक करके व्यापारियों के साथ बातचीत भी की इस मामले में। अच्छा, वहीं देखिए ललितपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। यात्रा की लंबाई 2 किलोमीटर थी, 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। मऊ में धूमधाम से मनाया गया भाजपा का 44वां स्थापना दिवस। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वाराणसी में भी संकट मोचन हनुमान को 51 मन लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। 75 फीट का लाल ध्वज अर्पित कर राम धुन पर झूमे भक्त। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने दर्ज कराई आपत्तियां। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए कम सीटें आरक्षित हैं, संशोधित करने की मांग की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में ये इवेंट होंगे। 4,000 एथलीट्स इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार अगले महीने मई में 10 दिन का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन करने जा रही है और इसमें देश भर से लगभग 4,000 और टोटल 7,500 लोग हिस्सा लेंगे एथलीट समेत। वहीं देखिए बैंक अधिकारी बनकर के लोगों से ऑनलाइन ठगी की। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लोगों को शिकार बनाते रहे। आपको भी किसी का कॉल आए कि मैं ATM मैनेजर बोल रहा हूँ, बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, ये चीज बता दो फलाना टीम का, कुछ भी जानकारी नहीं देनी आपकी। बैंक खाता नंबर, OTP, CVV, आधार कार्ड नंबर, ATM नंबर वगैरह कुछ भी नहीं बताने कभी किसी को, ध्यान रखिएगा ना, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में 2096
शिक्षकों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया। बच्चों के दाखिला कराने के लिए शिक्षकों के पास पैसे नहीं है। अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के 27 जनपद में लगभग 2090 शिक्षकों को सरकार की ओर से वेतन नहीं मिल रहा, बल्कि उनका आरोप है कि केवल आश्वासन दिया जा रहा। अब उन शिक्षकों के हालात ये हो रहे हैं कि उनके खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं है। हाल ही में इसको लेकर काफी विरोध भी किया था शिक्षकों ने। अब देखते हैं योगी सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता। बड़ी खबर आ रही है, हनुमान जयंती पर मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन हुआ। 500 साल पुराने लंगड़े की चौकी मंदिर में सजा फूल बंगला, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगरा की है ना। अच्छा, नोएडा में लग्जरी गाड़ियों के टायर चुराने वाले गैंग के 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। 5 मिनट में ये गाड़ी का टायर चोरी कर लेते थे। पिछले 8 साल में 150 से ज्यादा वारदात की इन्होंने खुद कबूल किया। बड़ी खबर है, फोटो में देखिए राम मंदिर का निर्माण। बेसमेंट के खंभों पर बीम रखने का काम शुरू हो चुका। अगले साल मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। अच्छा, प्रतापगढ़ डाइट में 1 महीने से बिजली गुल, छात्रों को हो रही परेशानी। एसडीओ बोले बिल नहीं जमा होने पर काटा गया कनेक्शन। बड़ी खबर देखिए, 7 देशों के 21 स्टूडेंट स्टडी टूर पर आगरा आए हुए हैं। डीएम और कमिश्नर ने पुलिसिंग सिस्टम के बारे में दी जानकारी। अच्छा, बस्ती में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति को भेजा 5 सूत्रीय ज्ञापन। लोकसभा में जो सवाल उठाए गए, सरकार उनका जवाब दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कानपुर में भी 103 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी। 25 लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी भी सौंपी। अमेठी को सीएम ने 1171 लाख रुपए का तोहफा दिया। लखनऊ में 8731 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। संभल में अवैध खनन पर डीएम की बड़ी कार्यवाही। खनन की सूचना मिलने पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारी, जेसीबी भी सीज कराई। लखनऊ के लोहिया यूनिवर्सिटी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार किया। 2013 में सृजित पदों पर रेगुलर करने की मांग है इनकी। बस्ती में शॉर्ट सर्किट से गेहूं में लगी आग, 8 किसानों की 22 बीघा फसल जलकर हुई राख। पीड़ितों ने सरकार से मांगा मुआवजा। मुख्यमंत्री के 37 बिंदुओं पर हरदोई के डीएम ने बैठक की, बोले अंत्योदय कार्ड धारकों को भी गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे, विकास कार्यों में तेजी लाएं। पीलीभीत तहसील में ग्रामीणों ने दिया धरना। दबंग ने रात में गेहूं की फसल काटी, 22 परिवारों की 48 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। इस तरह से भूमाफिया लोगों को परेशान करते हैं, इनकी ये शिकायत है। अच्छा, बड़ी खबर है, 21 मई से शुरू होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23। देश भर से लगभग 4000 एथलीट और 7500 लोग इसमें हिस्सा लेंगे। लखनऊ में इसका उद्घाटन होगा, बनारस में इसका समापन होगा। मैंने आपको जानकारी बता दी है ना। वही देखिए, ब्लैक लीकर हीट ट्रीटमेंट तकनीक का सफल परीक्षण हुआ। देश भर से जुटे कागज उद्योगों को नई तकनीक से इसका बड़ा फायदा मिलेगा। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित यस पेका में ब्लैक लीकर हीट ट्रीटमेंट तकनीक, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिससे कि कागज उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा, उनको कई नए बेनिफिट आएंगे। यहाँ तक कि नई तकनीकी से क्रांति आ जाएगी पेपर इंडस्ट्री में, है ना। बड़ी खबर देखिए, महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई, एक तस्कर गिरफ्तार भी हुआ। अच्छा, खुले में पेशाब करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जो जुर्माने की पर्ची काटी गई उसकी। G20 की तैयारी के चलते वाराणसी नगर निगम ने उठाया कदम, और आप भी खुले में पेशाब ना करें। बड़ी खबर है, 2573 विद्यार्थियों को मिली स्मार्टफोन की सौगात। MLC बोली शिक्षा के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है यूपी सरकार। बहराइच में KDC में निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम हुआ। वह देखिए, वाराणसी के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बनारस स्टेशन से दिल्ली जाने वाली 6 ट्रेनें कल से निरस्त रहेगी। 3 का मार्ग भी परिवर्तन किया गया, तो आप भी रेल यात्रा करने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल चेक कर लें। बड़ी खबर देखिए, माहौल बिगाड़ने पर पुलिस ने 11 लोगों को जेल भेजा। उन्नाव में 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, ईंट पत्थर भी चले। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काशी में भी विकास हो रहा। CMO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के पूर्व दिया वाराणसी स्वास्थ्य विभाग का लेखा जोखा। कैथल में 6 साल बाद मिली गुम हुई बच्ची। रेलवे स्टेशन पर बिछड़ी थी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रही। 11 साल की हुई तो भी घर वालों ने पहचान लिया। अमेठी में 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, लेकिन तब तक नुकसान काफी ज्यादा हो गया। एटा के डीएम ने भूमाफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई। 250 बीघा सरकारी जमीन को कब्जाने के मामले में पूर्व रेल उपमंत्री के बेटे पर भी दर्ज हुई FIR। 14 अप्रैल से खोली जाएगी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्कॉलरशिप फॉर्म फॉरवर्ड न करने पर छात्रों ने किया DSW का घेराव। बदायूं में बजरंग बली को लगाया 56 भोग का प्रसाद। 101 दीपकों से महाआरती उतारी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर। जौनपुर में भी धूमधाम से मना भाजपा का 44वां स्थापना दिवस। जिलाध्यक्ष पुष्पनाथ सिंह ने कार्यालय पर झंडा फहराया। अच्छा, लंदन दुबई वालों को भी गोरखपुर की लीची की मिठास अच्छी लग रही है। सीजन से पहले ही बुक हो जाती है 15 पेड़ों की लीची। 1500 से 2000 रुपए किलो बिकती है। और अब देखिए जरा, लीची का भी एक्सपोर्ट होने लगा गोरखपुर से। गाजीपुर में पीएम आवास के लाभार्थियों को मिली घर की चाबी। 2.25 करोड़ रुपए के उपकरणों और मशीनों को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। अच्छा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बागपत पहुंचे, और वहां उन्होंने कहा कि साल 2024 के अंत तक इंडिया में अमेरिका के बराबर होगी सड़कें। ग्रीन एक्सप्रेसवे के पास बनेंगे 3 बर्ड पार्क। सोनभद्र में भी छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। डीएम बोले छात्र छात्राओं को बेहतर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अमेठी में एक नया अभियान शुरू किया गया, गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान। पद यात्रा भी निकाली गई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अच्छा, हरदोई में भी देखिए आग से 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग के चलते लगी आग। कौशाम्बी में एक राजस्व कर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा। किसान से वरासत के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। SDM बोले कि वीडियो की जांच के बाद होगी कार्यवाही। लखीमपुर में नोडल अधिकारी ने 5 गौशालाओं का निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई, डिस्पोज करने के दिए निर्देश। हरदोई के रेल यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि 7 से 12 अप्रैल तक 8 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेगी, कैंसिल रहेगी। एक का मार्ग तो बदला जाएगा, तो कुछ विलंब यानी कि देरी से चलेगी। फिरोजाबाद
हैदराबाद में बस स्टैंड में शिफ्ट होगी दुकानें। स्मार्ट सिटी के कार्य में बाधा बन रही 13 दुकानों को तोड़ा जाएगा, नगर आयुक्त के समझाने पर व्यापारी माने। अच्छा, बरेली के किलापुर पर आज से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। सांसद और वन मंत्री के न होने से कल का कार्यक्रम टाला गया, लेकिन 50,000 लोगों को अब इससे जाम से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी और सीएम बोले कि हम आखिरी पायदान पर खड़े शख्स की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। 25 करोड़ से बदलेगी रेलवे स्टेशनों की तस्वीर। टुंडला, फिरोजाबाद, सिकुहाबाद और मैनपुरी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प यानी कि रीडेवलपमेंट किया जाएगा। लखीमपुर में लोन कराने के नाम पर रुपये लेने की एक बड़ी ठगी का मामला सामने आ रहा। वापस मांगने पर कर्मी बोला अधिकारियों में बट गया पैसा। सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई पीड़ित ने। महाराजगंज में सड़क निर्माण में अनियमितता दिखी, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप है। अच्छा, ओलकानंद महाराज ने क्या बोला, देखिए। ईश्वर दर्शन तुल्य है भागवत कथा का श्रवण। उन्होंने भागवत कथा में उपदेश दिया, कहा कि नहीं करना चाहिए समय नष्ट। वाराणसी एयरपोर्ट पर लगी शिवलिंग की म्यूरल पेंटिंग, ये पेंटिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कांच से बने शिवलिंग में लोग खुद को भी निहार सकेंगे, पर्यटक भी इससे आकर्षित होंगे। अच्छा, गोरखपुर देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट लगाएगी पेप्सी को। 1,071 करोड़ रुपए का निवेश करके गोरखपुर में यह बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। 2,000 से भी ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। वही देखिए बड़ी खबर, 15 लाख गबन मामले में कर्मियों पर गाज गिरना शुरू। 2 ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को DPRO ने निलंबित भी कर दिया। वीडियो पर भी कार्यवाही होगी। बलिया के बस डीए ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं सप्लाई फर्म के मालिक पर 15 लाख रुपए के गबन का आरोप है। अच्छा, बलरामपुर में सवारियों से भरी रोडवेज बस खाई में गिरी, एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए। कानपुर से तुलसीपुर जा रही थी बस। अच्छा भाई दोस्तों, एक अनोखी पेंटिंग देखिए। राम राम के नाम से लिखी गई ये बजरंग बली की पेंटिंग बनाई गई है। काशी में 8वीं के एक छात्रा ने 5 मिनट में लिखा 1,000 राम नाम, और वो भी इस तरह के अनोखे तरीके से लिखा गया कि उन राम नाम से हनुमान जी की तस्वीर दिखने लगी। ये बेटी की कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में बहुत अमेजिंग कलाकार है ये पेंटिंग के मामले में। योगी सरकार को ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये प्रदेश का और बड़ा नाम रोशन कर सके। वाराणसी में एक किसान की बेटी है जिन्होंने हनुमान जयंती पर ये खास पेंटिंग बनाई। आरती वर्मा इनका नाम है। कंपोजिट स्कूल में ये पढ़ती है, 8वीं क्लास की छात्रा है। बड़ी खबर देखिए, मुरादाबाद में राजस्व निरीक्षक भी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। किसान से नक्शा दुरुस्त कराने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे थे। अच्छा, झांसी में भी दरोगा सुदीश यादव को बर्खास्त किया गया, रिश्वत के बंटवारे के लिए हुई थी मारपीट। वही देखिए बड़ी खबर, भदोई में रेल पटरी पर कुर्सी रखने पर कार्यवाही हुई, अज्ञात व्यक्ति पर FIR भी दर्ज कराएगी। दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 13 मिनट तक रुकी इस हरकत के चलते। अच्छा, बनारस में भी 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी। सेना ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुधवार आधी रात तक एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए, डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यर्थी। बनारस समेत प्रदेश के कई जिलों में 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है ना। वैसे दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे आपके जिले का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको अपने उत्तर प्रदेश राज्य की रोजाना की ऐसी बड़ी खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।